हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रॉइड की दुनिया का सबसे बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन कौन सा वाला है एक्चुअली में। पर यहां पे हम लोग इस टॉपिक को इस तरह से भी कह सकते हैं कि आईफोन में तो कर्व डिस्प्ले आता ही नहीं है भाई, सारे के सारे फ्लैट पड़ा है। तो यहाँ पे स्मार्टफोन की दुनिया का बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन कौन सा वाला है, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि भाई सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जो है वो तो वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होगा, पर बजट को मद्देनजर रखते हुए बजट मतलब एक डिसेंट बजट और एक डिसेंट स्पेसिफिकेशन के बीच में एक स्वीट पोजीशन होता है जहाँ पे हम लोग ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं हाँ भाई ये वाला बेस्ट है, दी बेस्ट है। तो ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन स्मार्टफोन की दुनिया में। तो ये वाला जो डिवाइस है भाई, ये डिवाइस अगर आप लेते हो तो आपको लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले इस वाले डिवाइस में आप लोगों को क्या चाहिए होगा, एक अच्छा डिस्प्ले के साथ कैमरा, बैटरी, प्रोसेसर, सब कुछ चाहिए होता है भाई। किसको क्या नहीं चाहिए होता है, गेमिंग चाहिए होता है, कैमरा चाहिए होता है, सब चाहिए होता है। दी बेस्ट भाई, बहुत ही बढ़िया, और वो भी सैमसंग वाला कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं, स्मार्टफोन का नाम बाद में दूंगा, इतना भी जल्दी क्या है। यहाँ पे आपको ग्लास बैक है, ग्लास फ्रंट है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस का फ्रंट में, गोरिल्ला ग्लास 5 जो है वो बैक में, एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाता है, IP का 64 देखने को मिलता है जो कि उतना भी ज्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। डिस्प्ले यहाँ पे फ्लूइड NTPO AMOLED देखने को मिल जाता है 120Hz हायर रिफ्रेश रेट के साथ, और 500 PPI का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है, मतलब उससे ऊपर का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है। एंड ये वाला जो डिस्प्ले है ना, इसका ब्राइटनेस भी काफी डिसेंट है। यहाँ पे अगर प्रोसेसर का बात करते हैं तो प्रोसेसर यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 2 देखने को मिल जाता है, एंड जो स्टोरेज एंड रैम टाइप है वो भी सब कुछ मतलब एकदम तगड़ा, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ लॉन्च देखने को मिलता है, वो है यूएसएस 4.0 एंड यहाँ पे LPDDR5X देखने को मिलता है। यहाँ पे कैमरा का बात करें तो सोनी MX का मतलब बहुत ही बढ़िया सेंसर देखने को मिलता है, 50 MP का OIS, टेलीफोटो देखने को मिलेगा, अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा, एंड फ्रंट में जो है आपको सोनी MX का जो है सेल्फी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। तो ये काफी बढ़िया बात है, कैमरा का पॉइंट भी बहुत तगड़ा है, डिस्प्ले भी तो फिर बहुत तगड़ा हो गया, बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाला है क्योंकि भाई कर्व है स्मार्टफोन तो क्लासी तो दिखेगा ही, और मेरे हिसाब से प्रोटेक्शन भी काफी सही है, विक्टस फ्रंट में, बैक में 5, सब कुछ सही होता है, गलत क्या हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बैटरी भी काफी तगड़ा देखने को मिलता है, 5000mAh का जो बैटरी देखने को मिलता है, ऊपर से 100W का जो है वो चार्जर। जी हाँ, स्मार्टफोन जो लोग गेस किए हो, सही गेस किए हो, वो है OnePlus 11, और ये OnePlus 11 जो है ये 50,000 के अंदर मतलब 50K में आप कार्ड ऑफर पर लगा के इससे नीचे भी ले सकते हो। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले देख रहा था 52 समथिंग ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो इस बजट में ये वाला स्मार्टफोन हम लोग इसे ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं कि बेस्ट कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन जो है ये मोबाइल के मार्केट में आज के डेट में बेस्ट स्मार्टफोन अवेलेबल है। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा, और जिन लोगों को ये वाला वीडियो मतलब ऐसा मतलब क्या है ये वाला स्मार्टफोन लेना है या फिर इस तरह का वीडियो देखना है उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आखिर में एक और चीज बोलना चाहूंगा, यूजुअली जो 50,000 के बीच में ना मतलब ऐसे 50,000 के अंदर आईफोन की तरफ जाते हैं, पर आईफोन से ये वाला मतलब कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर धन्यवाद।